अदानी ग्रुप पर कल शायद एक इम्पैक्ट आए, ऐसे में क्योंकि आप अदानी ग्रुप पर लॉन्ग रहे हैं, क्या व्यू होगा अब यहाँ पर, क्या डिप्स पर और ऐड किया जाए या एक बार के लिए ट्रेड से बाहर निकला जाए? चार्ट के पैटर्न्स जो शुक्रवार तक बंद हुए थे वो ये थे कि निचले स्तर से एक अच्छा मूव आ चुका था और थोड़ा सा विराम चार्ट पर स्वाभाविक था। असमंजस में थे फ्राइडे को कि कुछ टेक प्रॉफिट करें कि नहीं करें, और लगा ये कि जितनी रफ्तार से चलते हैं या टेक प्रॉफिट के चक्कर में सोमवार को सौदा छूट जाए। तो उदाहरण के तौर पे जो अडानी का बिल्कुल शॉर्ट टर्म सपोर्ट स्टॉप लॉस अडानी इंटरप्राइज का मान लीजिए जो था कि 3264 के नीचे चला गया, तो 3210 के ऊपर उसका सपोर्ट है। 5000 रुपए 3000 के स्टॉक पे या 20-30 रुपए 1000 रुपए के स्टॉक पे, ये जो इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस है इनकी गणना आज के समय करना मुझे उचित नहीं लगता है। मुझे ये लग रहा है कि ये बाजार अविश्वास की रैली, ऐसे भी हम पहले ही स्ट्रक्चर को देख चुके हैं कि 2500 तक विश्वास नहीं जमेगा। तो कमजोर जो लॉन्ग होल्डिंग्स हैं अगर वो लिक्विडेट हो जाती हैं ऑन ए फ्रिवोलस न्यूज, गैर जिम्मेदार मस्खरेपन की बदतमीजी पर अगर कोई का माल बिक जाएगा तो वो कमजोर मासूम आदमी का बिक जाएगा, बाजार और हल्का ही हो जाएगा। तो कल कितने परसेंट का नीचे डिप मिल सकता है, 1%, 2%, 3%, ये अनुमान लगाना मेरी क्षमता के बाहर है। पर हम तकरीबन डिसाइडेड हैं कि अगर कोई डिप मिल गया तो उसका फायदा उठाएंगे और माल लेंगे। जी तो ठीक है, ये अडानी ग्रुप पर एक राय सुशील खेड़िया जी की तरफ से। अनुज जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे आपने भी कहा कि जो हिंडनबर्ग है उनका पैटर्न ये है कि वो एक रिसर्च फर्म कहते हैं खुद को, लेकिन वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, पहले ले लेते हैं फिर उस पर रिपोर्ट निकालते हैं और इसको बता भी देते हैं, डिस्क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, बताते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिक को डिफाई करता हुआ सा लगता है कि क्या ये चीज़ सही है? ये इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि विपिन जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कोई भी, अगर आप कोई भी बंदा कहेगा कि मेरे पास पोजीशन है और अब मैं ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि ये गलत है। हिंडनबर्ग लेकिन इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं काम करता है, हिंडनबर्ग बाहर काम करता है। और जो शॉर्ट पोजीशन भी इन्होंने क्रिएट की थी पिछली बार, वो उन्होंने इंडियन मार्केट में नहीं क्रिएट की थी, वो उन्होंने ओवरसीज मार्केट में क्रिएट करी थी। तो आई थिंक उन दोनों को हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्या दो चीज़ें, क्या तो एक फ़ायदा उठाने की कोशिश है और क्या एक बदले की भावना है सेबी चेयरपर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि उनको शोकॉज नोटिस दिया गया, तो ये बिल्कुल सवाल उठेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, नॉर्मली सेबी जो है वो किसको शोकॉज नोटिस देता है वो नहीं बताता है। तो एक सवाल ये भी उठा था कि जब शोकॉज नोटिस दिया गया था हिंडनबर्ग को, तो क्या वो हिंडनबर्ग ने लीक किया था, मतलब ये भी एक इसमें एक सवाल उठता है। लेकिन हम थोड़ा शायद आई थिंक टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब आगे लीगली और क्या रिक्वायरमेंट बनेगी, क्या ये जो मामला है अब, जैसे आई थिंक सुनील जी कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग को चाहिए पहले आए इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करें उसके बाद केस लड़ें, आई थिंक ये भी एक वाजिब सवाल है। मेरे ख्याल से अब असली मामला यहाँ पर लीगल साइड पर चलने वाला है। एक बार सुदीप के पास चलते हैं और सुदीप से पूछते हैं कि सुदीप, कल अगर अदानी ग्रुप स्टॉक